चैनल ने फाइव हंड्रेड सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए थैंक यू फॉर दैट और मेरे पिछले वन प्लस सेवन टी इलेवन के वीडियो के लिए आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बग्स है जो हमें और आपको दिखाई दिए है वन प्लस सेवनटी के एंड्रॉयड एलेवन के वर्जन में ये एक स्टेबल वर्जन है बट फिर भी इसमें कुछ बग्स है तो हम इस बारे में ही आज बात करेंगे सो विदाउट मिस्टिंग मच टाइम दिस इज शेयर्स फ्रॉम लेट्स गेट स्टार्टेड सो हि इज द वन प्लस सेवेंटी जो एंड्रॉयड इलेवन में अपडेट हो चुका है अकॉर्डिंग टू वन प्लस इट्स स्टेबल वर्जन बट यहाँ कुछ बग्स हैं जो मुझे दिखाई दिए, आप लोगों को दिखाई दिए वो आज मैं सब कवर करूँगा। आप देख सकते हो एंड्रॉयड इलेवन के ऊपर बेस्ड है विद द सिक्योरिटी पैच ऑफ फेबर टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो इसमें हम बग्स की बात कर रहे हैं तो so, सबसे पहले जो बग मुझे मोस्टली दिखाई दे रहा है वो है बैटरी का बैटरी बहुत ड्रेन हो रही है इसमें जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है हम डिटेल यूजर्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ड्रेन कर रहा है बैटरी वो है एंड्रॉयड सिस्टम ही देखिए आप स्क्रीन एंड्रॉयड सिस्टम ही सबसे ज़्यादा बैटरी यूज़ कर रहा है जो कि नहीं होना चाहिए एज ये स्टेबल वर्जन है मैंने सात घंटे पहले फुल चार्ज किताबें सिक्सटी परसेंट बता रहा है टेन आवर्स लेफ्ट बता रहा है बट ये एक दो दिन एक दो घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा और मुझे पहले मेरा फ़ोन शाम तक चल जाता था रात तक चल जाता था इतना चार्ज नहीं करना पड़ता था बट अभी मेरे को दो बार फोन चार्ज करना पड़ रहा है तो ये एक मोस्ट Uh, मतलब बहुत जरूरी है कि वन प्लस इसको सॉल्व करे ये सबसे ज्यादा बुरा बग है इसमें तो बैटरी ड्रेन का तो बग है ही देखिए फिफ्टी नाइन परसेंट हो गया ये तुरंत सामने ही स्क्रीन के सिक्सटी से फिफ्टी नाइन हो गया है ज्यादा यूज भी नहीं किया अभी जस्ट सिक्सटी वन से सिक्सटी था अभी ये फिफ्टी नाइन हो गया है तो ये एक बग है जो वन प्लस को सॉल्व करना चाहिए इसी के साथ कुछ भी मैं टास्क कर रहा हूँ इसमें तो फ़ोन बहुत गर्म हो रहा है बहुत हीट हो रहा है ये फ़ोन जो कि नहीं होना चाहिए नॉर्मली एंड्रॉयड टेन में ये नहीं होता था बट अभी इसमें ये हो रहा है सो so, ये भी वन प्लस को देखना चाहिए कि ये बहुत गर्म हो रहा है इस so, सो ये जो गर्म हो रहा है वो नहीं होना चाहिए फ़ोन उसके बाद इसमें नाइन्टी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट मुझे नहीं दिख रहा है ये सिक्सटी हर्ट्स पर नहीं है मैंने नाइन्टी हर्ट सेट करके रखा है आपको मैं दिखा देता हूँ डिस्प्ले में एडवांस्ड रिफ्रेश हर्ट नाइन्टी हर्ट्स पे है बट ये एज सिक्सटी हर्ट्स मतलब सिक्सटी तो नहीं बट पहले जैसा स्मूथ नहीं है फ्लूड नहीं है पहले बहुत अच्छा था ये अब ये फ्लूड नहीं है थोड़ा सा चेंज मुझे लग रहा है इसमें पता नहीं क्या किया बट इसका फ्रेम रेट डाउन हो गया है तो ये एक बग है जो वन प्लस ने सॉल्व करना चाहिए एक और पर्ग है ये और इसके बाद अगर हम बात करें तो जब ये कोई सॉन्ग प्ले होता है आपको पता है नोटिफिकेशन में आता है वो जा नहीं रहा है मैं एक सॉन्ग आपको दिखा देता हूँ मैंने म्यूजिक यूट्यूब म्यूजिक ऑन किया है कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है देखिए मैं सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ ये इसमें है बट ये नहीं जा रहा है मैंने रिसेंट से भी वो हटा दिया है यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो म्यूज़िक म्यूजिक प्लेयर पर ये सॉन्ग यहाँ से जा नहीं रहा है तो इसके लिए हमें वो पर्टिकुलर जो ऐप है उसको फोर्स स्टॉप करना पड़ रहा है ये हर म्यूज़िक प्लेयर के साथ हो रहा है फोर्स स्टॉक करेंगे तो यहाँ से ये चला जाएगा उसके सिवा ये नहीं जा रहा है तो एक बग है जो मुझे दिखाया छोटा सा बग है बट है एक बग ये एक और जो बग है जो गैलरी का ऐप है उसमें फ़ोटोज़ दिखाई नहीं दे रहे ठीक से कुछ फोटोज़ टाइम लग रहा है कुछ फोटोज आने के लिए कुछ फोटोज़ में इसके दिखाई नहीं दे रहे अगर मैं कोई फोटोज़ देखना चाहता हूँ वो मुझे दिखाई नहीं देता फिर थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो वो दिख जाता है एक दो फोटोज़ थे मैंने जो क्लिक किए थे वो जो मुझे दिखाई नहीं दिए थे बट uh, कुछ टाइम बाद मैंने देखा फिर से तो वहाँ पे थे सो so, ये कुछ फ़ोटोज़ पता नहीं ये दिख नहीं रहा है क्या प्रॉब्लम है बट इसमें वो प्रॉब्लम है कि फ़ोटोज़ वो दिखाई नहीं दे रहे तो so, ये गैलरी में भी हो रहा है और ये फोटोज़ में भी हो रहा है सो so, ये बग है जिसमें फ़ोटोज़ आपको दिखाई नहीं देंगे बट थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो वो फोटो वहाँ पे रहेगा सो so, फोटोज़ डिलीट नहीं हो रहे बट वो दिखाई नहीं दे रहे हैं ऐप में ऑल्सो देर वेर सम नेटवर्क इशूज़ इन एट ये एंड्रॉयड एलेवन पर जब से आया है मेरे पास एयरटेल का फोर जी है जो बहुत अच्छे से काम करता था मेरे एरिया में बट जब से ये एंड्रॉयड इलेवन पर मैंने किया है ये काम नहीं कर रहा है ठीक से स्लो चल रहा है इंटरनेट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इंटरनेट स्लो चल रहा है अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे दोनों एयरटेल के सिम है जो फोर जी पे कनेक्टेड है प्रिफर्ड नेटवर्क टू जी थ्री जी फोर जी ही है ऑटोमेटिक है बट कभी कभी फोर जी काम नहीं करता है ठीक से ऑल्सो वाईफाई में भी इश्यूज आ रहे हैं कि वाईफाई डिस्कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहा है या वो भी काम नहीं कर रहा है तो सब नेटवर्क इश्यूज़ भी है इसमें बट एक ज़्यादा नहीं है कभी कभी आपको दिखाई देंगे इसमें इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है मैं स्टोरेज की बात कर ही रहा था गैलरी की मुझे एक और प्रॉब्लम आया था जब कैमरा हम ओपन करते हैं सबसे पहले तो कैमरा चल नहीं रहा है ठीक से मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है मेरे फ़ोन में स्टोरेज होने के बावजूद ये बोलता है सिस्टम में स्टोरेज नहीं है लो स्टोरेज और वो बंद हो जाता है अगर मैं कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ तो वो बोलेगा लो स्टोरेज और वो बीच में से ही वीडियो बंद हो जाएगा तो ये एक प्रॉब्लम है जो क्रूशियल प्रॉब्लम है ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हम वीडियोज़ बना रहे हैं तो टाइम पर बंद नहीं होना चाहिए जो इसका मैंने नोटिस किया है अगर हम फाइल मैनेजर में देखें तो यहाँ पर अभी मुझे सिक्स बता रहा है बट अगर हम लार्ज फाइल्स में जाए तो यहाँ पे कुछ रीसाइकल बिन का आ जाता है जिसमें लार्ज फाइल्स है जो डिलीट होने चाहिए रिसाइकल बिन से बट वो नहीं हो रहे अगर हम यहाँ पे लार्ज फाइल्स में देखें तो अभी यहाँ पे नहीं है मैंने थोड़ी देर पहले डिलीट किया था वो बट यहाँ पे एक लार्ज फाइल्स में आ, सबसे पहले जो फाइल्स आते हैं वो दो तीन जी के होते हैं जिसमें रिसाइकल बीन से वो फाइल्स रहते हैं रिसाइकल बीन में वो फाइल रहते हैं जो डिलीट होने चाहिए हम अगर कोई फ़ाइल डिलीट कर रहे हैं वो रिसाइकल बिन में जा रही है ऐसा आ, मुझे लग रहा है बट वो रिसाइकल बिन से डिलीट नहीं हो रही है जब हम चेक करते हैं वो फाइल को तब वो डिलीट होती है ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं हो रही है वो तो वो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेमोरी भर रही है इसमें जल्दी जल्दी अभी सिक्स जी बी फ्री बता रहा है बट इसके पहले यहाँ पे लार्ज फाइल्स में मुझे यहाँ पे फाइल्स दिखे थे सबसे ऊपर अभी मैं देखता हूँ शॉर्ट किया है मैंने तो अभी तो नहीं है बट यहाँ पे दो जी बी तीन जी बी ऐसे फाइल्स रहते हैं जो रिसाइकल बीन के रहते हैं उसमें लिखा होता है रिसाइकल बीन तो वो ऑटोमेटिकली जब ऐसे लार्ज वाइज पे क्लिक करके वो फाइल पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है जो पहले होना चाहिए देखिए बैटरी का मैं बात कर रहा था अभी फिफ्टी सेवन हो गई है फिफ्टी नाइन से दो परसेंट यही कि यही वो डाउन हो गई है बैटरी का मोस्ट प्रॉब्लम है इसमें इशू है सिस्टम में देखेंगे तो स्क्रीन बैटरी ज़्यादा यूज़ करिए और एंड्रॉयड सिस्टम भी स्क्रीन सेवन परसेंट हो गया है एंड्रॉय सिस्टम सिक्स परसेंट हो गया भले इंटेलिजेंट कंट्रोल और मोड ऑन है इसका फिर भी उस एंड्रॉयड सिस्टम सिक्स परसेंट बैटरी यूज़ कर चुका है अब तक एंड्रॉड ओ भी थ्री परसेंट बैटरी यूज़ कर चुका है जो कि ये तीन जो है स्क्रीन तो ठीक है बट एंड्रायड सिस्टम एंड एंड्रॉड ओ ज्यादा बैटरी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हम वो आ, मतलब एंड्रॉड टेन में भी था बट एंड्रॉड टेन में ज़्यादा बैटरी यूज़ नहीं करता था वो बाकी एप्स तो ठीक है बट ये दोनों जो एप्स है वो यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा बैटरी सिस्टम यू भी है इसमें जो बैटरी यूज़ कर रहा है मीडिया स्टोरेज ये सब ऐप्स है जो ज़्यादा बैटरी यूज़ नहीं करना चाहिए देखिए अब ये ट्वेल्व आवर्स बता रहा था मुझे नाइन नाइन आवर्स लेफ़्ट बता रहा अभी जल्दी से कम हो गया ये इसके बारे में हम मतलब वन प्लस नहीं इसको सॉल्व करना चाहिए जल्दी नया अपडेट आएगा वन प्लस इसको सॉल्व करेगा अच्छी बात रहेगी कैमरा की बात करें और तो कैमरा में बहुत आ, सारे फीचर्स आ गए नए बट ये लैग कर रहा है कैमरा मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं आया बट कुछ यूज़र्स है जिनको प्रॉब्लम आया है तो उन्होंने शेयर किया है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पर कोई भी फ़ोटोज़ लेते हैं हम या कोई भी वीडियो ले रहे हैं तो कैमरा बीच में क्रैश हो जा रहा है वीडियोज़ में हम वीडियो लेते हैं उसके बाद हम अगर फ़ोटोज़ में जाए तो मैक्रो अच्छे से काम नहीं कर रहा है ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं मैक्रो के बाद हम अगर टेलीफोटो लेंस में जाए तो वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है आ, क्रैश हो जा रहा है अभी सुपर माइक्रो में बट टेलीफोटो अगर हम ले रहे हैं तो वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है कैमरा क्रैश हो जा रहा है जैसे टेलीफोटो लेंस में अपन जाएंगे एक्चुअली uh, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है बट बाकी को प्रॉब्लम आ रहा है मुझे बस प्रॉब्लम uh, है कि ये लैग हो रहा है मुझे सबको डबल क्लिक करना पड़ रहा है देखिए मैंने क्लिक किया फिर से क्लिक करना पड़ रहा है तो ये लैग हो रहा है कैमरा स्मूथ नहीं है पहले जैसा था वैसा स्मूथ नहीं है कैमरा बस वही एक प्रॉब्लम है मुझे माइक्रो अच्छे से चल रहा है बट हाँ क्वालिटी ख़राब हो गई है माइक्रो कैमरे की पहले से जो एंड्रॉड टेन में इसकी क्वालिटी थी वो अब नहीं है तो वो क्वालिटी ख़राब हो गई है ज़रूर मैं मानूँगा बाकी इसमें ये स्मूथ नहीं है इतना ही प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे मेरे फ़ोन में फ़िलहाल ये कैमरा स्मूथ नहीं है बहुत स्मूथ था पहले जब से ये अपडेट हुआ है एंड्रॉयड 11 में ये कैमरा स्मूथ नहीं है इसमें आ, ये जूम आउट जूम इन का नया फीचर आया है जो स्मूथ नहीं है बट ठीक है चल रहा है स्मूथली हो नहीं रहा है ये एक प्रॉब्लम है बट ये फ़ीचर एक आया है जो टेन तक जूम तक जा सकता है और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है अभी स्मूथ नहीं है बट अच्छी बात है कि ये आया है और तो कोई कैमरा मुझे इशू नहीं मिला बट एक क्रैश हो रहा है मेरा कैमरा क्रैश नहीं हो रहा है बट लोगों का कैमरा क्रैश हो रहा है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दो एक और इशू है इसमें बग तो नहीं है बट फीचर है जो अवेलेबल नहीं है इसमें जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें आपको ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले मिलना चाहिए था जो आपको नहीं मिल रहा है तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्बियन डिस्प्ले में ऑलवेज़ ऑन फीचर होना चाहिए था तो ये देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे तो वो बहुत गलत बात है वन प्लस ने इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऐड करना चाहिए था क्योंकि कैनवस फंक्शन इसमें ऐड हो गया है कैनवस फ़ीचर जो भी फ़िलहाल अभी बेटा वर्जन पे अच्छे से काम नहीं कर रहा है बट इसमें ऐड हो गया है तो वो भी अपडेट आना चाहिए था इसमें ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले हम रख सकते थे जिससे वो अच्छे से काम करता था तो एक अच्छी बात नहीं है वन प्लस ने की है मीन ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले होता तो बहुत अच्छा होता तो मुझे लगता है कि ये कुछ बग्स है कुछ लोगों को वेदर में भी प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन पे वेदर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा है जो विजेट है वेदर का वो हम स्क्रीन में रखे पहले ही अपडेट होता था अभी अब ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा है उसको क्लिक करना पड़ रहा है उसके बाद वो अपडेट हो रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है देखिए अभी ये अभी चेंज हुआ मैंने क्लिक करने के बाद तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो आ रहे हैं लोगों को और कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि वह एंड्रॉयड टेन में वापस कैसे जाए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको कोई आ, आपकी एंड्रॉयड 10 की फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि 10.3.8 वो लास्ट फाइल है एंड्रॉयड 10 की जो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी इसमें उसके बाद आपको बस उसको लोकल स्टोरेज में डालना है लोकल आपके फाइल मैनेजर में जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें डालना है आ, मेरे पास वो फाइल तो नहीं है बट मेरे पास एंड्रॉयड एलेवन की फाइल है जो मैंने अपडेट की थी वो आपको दिखा देता हूँ मैं जी नहीं वो फाइल भी मैंने डिलीट कर दी बट जो फाइल होगी वो डॉट जे फाइल होगी जे तो आपको क्या करना है उसका डॉट जार रिमूव कर देना है उसके बाद आपको बस अबाउट फोन में जाके सॉरी सिस्टम में जाके सिस्टम अपडेट्स में जाना है यहाँ पे तो आपको अभी चेकिंग फॉर अपडेट्स में आपको ये फुल बताएगा देखिए सिस्टम अप टू डेट बता रहा है यहाँ पे नेटवर्क नहीं चल रहा है ठीक से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है पहले बहुत अच्छे से चलता था बट अभी सिस्टम डेट बता रहा है आपको बस गेयर पर साइन पर क्लिक करना है लोकल अपडेट में जाना है यहाँ पर आपको फाइल दिख जाएगी एंड्रॉयड टेन की आपको बस उसको क्लिक करना है और वो सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा बट हाँ आपका आप डेटा लॉस हो सकता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डेटा पहले बैकअप ले लें उसके बाद ये करें तो ऐसे आप एंड्रॉइड टेन में जा सकते हैं अगर आपको चाहिए मैं फुल रिव्यू करूँ फुल इंस्टॉलेशन गाइड आपको दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो कि आपको चाहिए कि एंड्रॉइड एलेवन से एंड्रॉइड टेन में कैसे जाए ये आपको अगर जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो बता दीजिए मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा ज़रूर तो ये थे कुछ बग्स जो मुझे दिखाई दिए और भी कुछ बग्स होंगे तो अगर आपको कैमरा के बग्स आ रही है ज़्यादा आ रहा है तो आप एक बार इसका कैश क्लियर करके देखिए कैश एंड स्टोरेज क्लियर करके देखिए उससे शायद वो बग चला जाए मेरा अब अपडेट मेरा वर्जन है कैमरा का 6.4.44 तो देखिए आपका यही वर्जन है क्या नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते या देखिए वो अपडेट वो आया है क्या उसका अगर नहीं आया है तो देखिए आप पहले के कैमरा के वर्जन में जा सकते हैं क्या फ़िलहाल के लिए ये ऑप्शन है बट सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि आप वेट कीजिए वन प्लस जब भी लाएगा इसका नेक्स्ट अपडेट पता नहीं कितना टाइम लेगा वन प्लस जो अभी ट्रेंड चालू है वन प्लस का कि बहुत लेट कर रहा है अपडेट लाने में पता नहीं कितना टाइम लेगा बट जब भी आएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ऐसा मुझे लगता है तो आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लीजिए या तो आप ये इंस्टॉल कर लीजिए और बताइए कि ये आपको बस सब आ रहे हैं या सब अच्छा है आपके लिए फिलहाल मेरे लिए मुझे ज़्यादा बग्स नहीं दिख रहे इसमें बस मेरे लिए एक ही बग है सबसे ज़्यादा की वो है बैटरी देखिए सिक्सटी पे हमने चालू किया था दो तीन मिनट का पाँच मिनट का वीडियो है ये इसमें फिफ्टी फोर हो गया है सो so, ये थे कुछ बग्स और कुछ फीचर्स जो मिसिंग थे वन प्लस सेवेंटी के एंड्रॉयड एलेवन के स्टेबल अपडेट में आप बताइए मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा कुछ और बग्स होंगे तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो मैं उसका प्रॉब्लम फाइंड करके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैंने आपको यह भी बताया कि एंड्रॉइड 11 से एंड्रॉइड टेन में कैसे डाउनलोड करना है अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए मैं जरूर इसका वीडियो करने की कोशिश करूंगा। चैनल ने फाइव हंड्रेड सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिया है थैंक यू फॉर दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई सी यू इन द नेक्स्ट वन लेट्स को नॉट